हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो चलिए मार्केट के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो कल मैंने कहा था कि अभी गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी अपसाइड मूव मिल सकता है, और उसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी व्यू हमारा अपसाइड का ही था। तो आज अगर आप देखें तो आज काफ़ी ज़्यादा आप मिल चुका है। गोल्ड में अगर देखें तो 1.28% अप है, सिल्वर भी 2.36% अप है कल की क्लोजिंग से। तो चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारे लेवल्स थे और कैसे हमने प्ले किया। तो गोल्ड का अगर आप देखें तो गोल्ड को मैंने मैनी टाइम्स आपको बताया भी था कि जैसे ही हमें 71,500 के आसपास अगर मिल जाता है तो फिर हम उसमें बाई कर सकते हैं। कल देखेंगे तो कल भी हमें इसी रेंज के आसपास मिला। तो आज आप देखें तो आज जब करंट प्राइस चल रहा है वो 72,500 है, तो लगभग अप्रॉक्स हमें 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट रनिंग है। तो 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अभी है। और अगर नेक्स्ट लेवल देखेंगे तो नेक्स्ट लेवल अभी हमारा 72,600, देन 73,000 एंड देन 73,300, देन 73,650 से लेके 73,750। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हैं। बाई चांस अगर ये किसी भी टिप में हमें 72,150 से लेके 72,000 के आसपास हमें मिल जाए इस रेंज के आसपास, तो फिर से हम बाई कर सकते हैं और फिर से हमारे अपसाइड के टारगेट सेम होंगे। डाउन साइड में अगर आप देखें तो ये अगर फिर से 72,000 के लेवल या फिर इस रेंज को ब्रेक करता है 71,850 को, तो फिर हम फिर से इसमें डाउन साइड के लिए जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो 71,300 देन 70,900, तो ये हमारे लेवल्स होंगे। गोल्ड में भी आपको बाय ऑन डिपी करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और है कि यहाँ पर कोई भी अभी सेल सिग्नल नहीं बना है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न में बाय सिग्नल बना है, तो बाय सिग्नल के बाद अप मूव भी कंटिन्यू है, तो अभी कोई सेल सिग्नल नहीं बना है। मतलब अभी भी ये फ्रेशाई बनाए जाएगा और फिर सेल सिग्नल अपीर होने के बाद फिर हम देखेंगे तो ये फिर रिवर्सल अगर देगा तो फिर हम इसमें रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी गोल्ड में आपको बाय ऑन डिफी करना है। सेम लेवल अगर आप देखेंगे कॉमेक्स में, तो कॉमेक्स में भी कल भी मैंने कहा था कि जैसे ही अगर हमें किसी भी रीजन से 2330 या फिर 2325 के आसपास मिल जाए तो फिर हम इसमें बाई कर सकते हैं। तो आज अगर आप देखें तो जिसने भी बाई किया है काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव चल रहा है और लगभग 1.5% का इसमें कॉमेक्स में भी जिसने बाई किया होगा तो फिर उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो गोल्ड में अगर आप देखें तो गोल्ड को मैंने खासतौर कॉमेक्स में 2300 के आसपास ही बाई करने के लिए बोला था और कई बार बोला था। तो अगर जिसने भी उस लेवल पर बाई किया है तो उसको तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो ये मूव भी कंटिन्यू रह सकता है। अपसाइड के अगर आप टारगेट देखेंगे तो अपसाइड में हमें 2372 देन 2385 देन 2396 से लेके 2400 तक के टारगेट ओपन है। सपोर्ट में अगर आप देखें तो अब जो सपोर्ट बन रहा है वो 2339 से लेके 2341 इस रेंज के आसपास सपोर्ट है। तो सपोर्ट में अगर किसी भी रीजन से हमें मिले तो फिर से बाई करना है और हमें अपसाइड के टारगेट फिर से मिलेंगे। डाउन साइड के लेवल से अगर आप देखेंगे तो जब तक ये 28 को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें डाउन साइड के लिए कोई लेवल्स नहीं देखेंगे, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमें 2309 देन 2295 देन 2283 से लेके 2271 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी हमें बाय ऑन डिप करके ही रहना है गोल्ड में। सेम सिल्वर का अगर आप देखें तो सिल्वर भी मैंने खास तौर से कॉमेक्स में 2900 के $29 के आसपास बहुत बार बोला था कि बाई करिए, और जिसने भी बाई किया है तो उसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। वहाँ से अगर आप देखें तो अप्रॉक्स 4-5% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। और अगर कल के वीडियो को भी किसी ने देखा होगा तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगभग 3-4% का प्रॉफिट उसको भी मिल रहा है। तो अपसाइड का जो लेवल्स है अभी वो 30.87 देन 31.20 31.57 से लेकर 31.67। कॉमेक्स में अगर आप देखें तो कॉमेक्स में कल भी मैंने कहा था कि जैसे हमें 89
700 से लेके 800 के बीच में मिले तो फिर हम इसमें बाई कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो रिसेंट लो ही होगा। तो उसके बाद अगर आप देखें जो फर्स्ट हमारा टारगेट था 91,300, उसको इसने ब्रेक किया, देन 91,600 को भी ब्रेक किया, और फिर 92,000 को ब्रेक किया, और अब जो ये जा रहा है वो 92,750 देन 93,500 से 600 के बीच में इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर फिर से हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और उसको भी अगर ब्रेक करते हो 94,900 देन 95,700 से लेके 95,900 तक के हमें टारगेट ओपन होंगे, और जो सबसे बड़ा टारगेट ओपन होगा 96,900 से लेके 97,000 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो सिल्वर में भी आपको बाय एंड डिप करना है। फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप देखेंगे तो फ्रेश एंट्री अब बनेगी 91,000 की से लेके 90,900 इस रेंज के आसपास मिल जाए, या तो फिर अगर ये यहाँ तक भी डिप देता है 91,400 के आसपास तो फिर भी हम इसमें यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो ये रहा गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस। उसके बाद कॉपर का अगर देखेंगे तो कॉपर भी मैंने कहा था बाई करने के लिए ही, और कॉपर मैंने रिकमेंड भी किया था कि 239 से लेकर 240 के आसपास हम बाई कर सकते हैं, इस रेंज के आसपास हमने बाई भी किया था, और वहाँ से जो फर्स्ट टारगेट था वो हमारा 248 दे 848 देन 853, और उसके बाद आप देखें तो 866, तो 866 के आसपास से जा रहा है, और उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 874 इस लेवल के आसपास मिलेगा, तो फिर हम एक बार इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करें फिर 887 से लेके 889 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर ये किसी भी रीजन से 854 से लेके 8549 के बीच में इस रेंज के आसपास हमें मिलता है, फिर से हम इसमें बाई करके चल सकते हैं, और अपसाइड के लेवल हमारे फिर से वही मिलेंगे। और डाउन साइड में अगर देखें तो डाउन साइड में अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है 849 को, तो फिर हमें 840 832 देन 825 देन 812 से लेके 817 हमें मिल सकता है। तो कॉपर में भी बाय ऑन डिप करके ही चलना है। उसके बाद क्रूड का अगर आप देखें तो क्रूड मैंने कल बाय ट्रेड भी दिया था, बताया भी था कि हमने जो सेल किया है वो 6990 के आसपास से 6990 के आसपास से हमने सेल किया, जो फर्स्ट टारगेट था 6915 उसको इसने हिट किया यहाँ पर देखें तो, और उसके बाद टारगेट हिट होने के बाद इसने थोड़ा सा जा रहा है। तो यही होता है कि जैसे आपको लेवल एक मिलता है, टारगेट आपके हिट होते हैं तो फिर ये अपसाइड जाएगा, तो अपसाइड ये भी जा सकता है 6970 के आसपास, इस लाइन के आसपास जाएगा, ब्लू लाइन के आसपास, और वहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ही हमें फिर से मिलता है 6970 के आसपास तो फिर हम इसमें फिर से सेल कर सकते हैं, और डाउन साइड के हमारे जो टारगेट होंगे वो हो गए 8670 7780 6780 देन 6723 देन 6680 6615 देन 6665 40, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो क्रूड में भी आपको अभी सेल ऑन राइज करना है। उसके बाद नेचुरल गैस में मैंने कहा था कि जो इसने 2224 से लेके 225 इस रेंज को जो ब्रेक किया था, तो उसके बाद ये डाउन ही जाएगा। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में कल भी इस रेंज के आसपास था 202 के से लेके 203 के आसपास, जो मैंने कहा था कि काफ़ी बड़ा सपोर्ट है और इस सपोर्ट को जल्दी ब्रेक कर देगा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, तो अब अगर ये किसी भी रीजन से 206 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम अपनी सेल पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, और फिर रिवर्सल के लिए हम देखेंगे कि ग्रीन लाइन जो बनी है 216 इस लेवल के अगर ऊपर जाता है तो फिर हम इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अगर नहीं जाता तो फिर से हम इसमें सेल भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा आप वेट करिए, इसको एक बार इस रेंज पर सस्टेन होने दीजिए, फिर बाउंस मिले तो बाउंस भी हम प्ले कर सकते हैं।
या फिर अगर यहाँ से फिर से रिवर्स होगा तो फिर से हम सेल कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस का भी आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। यहाँ पर अगर देखें तो कोई मूवमेंट भी नहीं, देश ने 3-4 पॉइंट के मूवमेंट में ये चल रहा है, क्योंकि जब बहुत बड़ा सपोर्ट होता है तो वहाँ पर मार्केट आके सपोर्ट लेता ही है, तो इसको या तो फिर ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो 193 देन 181 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये रहा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अगर आप देखेंगे उसके बाद जिंक, जिंक में मैंने कहा था कि ये फिर से जो इसने एक फ्री ट्रेड के रूप में बना था तो इसको पास जाने की कोशिश करें, वहाँ पर ही जा रहा है। तो जिसने भी फिर से बाई किया होगा, जिसका बाइंग ट्रेड होल्ड है, तो वो अभी 289 के एसएल के साथ होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड का जो टारगेट है 272, 275 देन 276, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। जिंक में भी आपको अभी बाय ऑन डिप करके ही चलना है। बिटकॉइन का देखेंगे, बिटकॉइन में कल मैंने कहा था कि जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, और जो हमारी स्ट्रेटजी भी है कि जैसे 30% लेवल को ब्रेक करता है और उसी टाइम पर इसने ग्रीन लाइन के को भी ब्रेक किया, तो फिर हम अगर इस रेंज के आसपास हम सेल करते 62,300 के आसपास, तो फिर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और लगभग ये गया 59,500 के आसपास, तो वहाँ से फिर से रिवर्सल ले रहा है। अब अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ये पुल बैक ही है, कोई ज़्यादा रिवर्सल नहीं है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता 69,800 के लेवल को, और इसी टाइम पे ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर भी निकल जाता, तब फिर हम इसमें रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं। जब तक ये अभी ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप इसमें सेल ऑन राइज ही करते रहिए, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है तो इस करंट लेवल पर अभी इसमें सेल नहीं बनता है। तो बिटकॉइन को भी आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी अच्छी मैसिव गैप अप ओपनिंग हुई। कल हमने बाई भी करके रखा था बैंक निफ्टी को, और हमें लगभग आज मॉर्निंग में भी प्रॉफिट बुक किया। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो आज HDFC बैंक में जो उसका वेटेज इंक्रीज हो गया MSCI में इंक्लूड होने के कारण, उसके कारण से काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव आया। तो मेन जो रीज़न होता है, अब जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि MSCI में बाइंग होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न अब ले जाने का ये होता है कि खास तौर से जो बड़े फंड हाउस होते हैं या फिर बड़े जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली है, फिर कोई भी है, तो MSCI में जैसे इंक्लूजन होगा तो MSCI को रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनको 3% या 4% का स्टेक लेना है या फिर कितने ही परसेंट का स्टेक लेना है, तो उस टाइम पर जो भी रेट अवेलेबल होगा तो उसी रेट पर लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर किसी के भी पास 1600 के आसपास से HDFC बैंक पड़ा हुआ था, तो अगर वो उसको बेचना चाहेंगे 1800 या फिर 1900 पर भी, तो MSCI उस टाइम पर 1800-1900 पर भी उसको बाई ही करेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स या फिर जो भी होते हैं तो उनको थोड़ा सा रेट पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काफ़ी लॉन्ग टर्म व्यू होता है, तो लॉन्ग टर्म व्यू में काफ़ी उनको बेनिफिट ही मिलता है। तो इसलिए प्राइस हमेशा कई बार अप हो जाता है, उसका रीज़न यही होता है कि आपको एक 100 रुपये की चीज़ है तो 100 रुपये के आप चीज़ को 20 रुपये में बेच लेंगे तो सामने वाला 20 में ही लेने को तैयार हो जाएगा। जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर उसमें पहले से ही प्राइस अप हो जाता है। इंक्लूजन अभी अगस्त के आसपास होगा, तो अगस्त में पहले ही मार्केट उस प्राइस को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको बाई करना ही है। तो निफ्टी का अगर आप देखें तो निफ्टी में भी बाइंग के लिए ही मैंने बोला था कि बाई अभी कर सकते हैं, और जैसे ही आज अगर आप देखेंगे तो आज इसने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया 10-20 पॉइंट, और फिर उसके बाद ये दिन भर टाइम पास ही करते रहा, लेकिन जो क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग अच्छी हुई है। तो क्लोजिंग के बाद अगर आप देखें तो काफ़ी बुलिश पैटर्न नहीं बना है और ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुई है,
तो अब जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो हमारा बनेगा 24,999, मतलब 24,400 बनेगा। और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो 24,600 तक के हमारे लेवल्स ओपन हैं। सपोर्ट में देखेंगे तो सपोर्ट जो अभी फर्स्ट सपोर्ट है इसका वो है 24,140। तो 24,140 के आसपास किसी भी रीजन से तो मिलेगा तो हमें बाई कर सकते हैं। बाई चांस अगर ये कल गैप अप ओपन नहीं होता, जो कि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे करंटली, तो करंटली अभी गिफ्ट निफ्टी हमें 113 पॉइंट्स का अब दिखा रहा है, मतलब कल फिर से गैप अप ओपनिंग होगी। और अगर 113 से अभी है तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ के और ऊपर चला जाएगा, तो लगभग 150 से लेके 160 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग होगी। तो फिर ये हमें मिलेगा 24,450 के आसपास भी हमें गैप अप ओपनिंग में मिल सकता है, 400 से लेके 450 के बीच में। तो अगर इस प्राइस में मिलता है तो फिर अगर आप देखेंगे तो फिर आज के जैसे सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट ज़्यादा बड़े गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर से एक थोड़ा सा मूव देके एक कंसोलिडेशन में जा सकता है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में कल थोड़ा सा आप टिकी ही मानेंगे, तो डे इनिशियल में 1 आवर का वेट करिए, 1 आवर की जो भी रेंज बनेगी डे हाई और डे लो उसके बाद ही आप उसको प्ले करिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इनिशियल में ही 1 आवर की जो रेंज बनी थी डे हाई और डे लो, तो हाई जो था वो एकदम लास्ट के कैंडल्स में कटा, तो उस टाइम कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, वो डे लो ब्रेक ही नहीं हुआ। अगर ये डे लो ब्रेक होता तो फिर हम इसमें सेल भी कर सकते थे प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और डे हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, डे हाई ब्रेक हुआ एकदम लास्ट में, तो उसका कोई मतलब ज़्यादा था नहीं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिसने भी बाई ट्रेड होल्ड किया उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, कल इंट्राडे में अभी मार्केट ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी भी कल हमने बाई करके रखा था 51,130 से लेके 50 के बीच में, इस लेवल के आसपास ही। और अगर आप आज देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा लगभग 1000 पॉइंट्स का अप मूव दिया, और उसके बाद ये गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा डिप दिया और उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव गया। इंटरडे में इसमें थोड़ा सा पैसा बना भी होगा मूव के लिए जिसने भी प्ले किया होगा, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन ही होता रहा। और कल इसकी आज इसकी एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी को ही इसने रिस्पेक्ट किया और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की रेंज में कैसे ट्रेड होता रहा। तो कल अगर आप देखें तो कल फिर से ये आज के हाई को अगर ब्रेक करता है, जैसा कि निफ्टी दिखा रहा है कि कल फिर से गैप अप ओपनिंग होगी, तो ये अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो सीधा 54,000 का बनता है, 54,085। तो 54,000 का आप टारगेट मनी अगर उसको भी ब्रेक करता है 54,900 से लेके 55,150, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट इसका जो फर्स्ट सपोर्ट अभी बनेगा, कल अगर आप देखें तो कल के गैप अप ओपनिंग के जैसे चांसेस है, तो फर्स्ट जो सपोर्ट वगैरह 53,200 के आसपास बनेगा, और फिर उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट वगैरह 52,600, और जो इसका फिर काफ़ी बड़ा सपोर्ट बनेगा 52,100 से लेके 52,200। तो ये रहा फिर बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी भी अगर आप देखें तो फिर निफ्टी भी आज काफ़ी अच्छा अप मूव दिया, और ये गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा डिप दिया और फिर सपोर्ट के आसपास इसी रेंज के आसपास आया, फिर से काफ़ी ज़्यादा अपसाइड गया, और अपसाइड जाने के बाद ही फिर से फुल डे कंसोलिडेट होते रहा। तो अब जो इसमें नेक्स्ट लेवल बनेंगे वो बनेंगे 24,100, देन 24,199, देन 24,589 से लेके 24,695। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो इसमें भी कल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर उसके बाद आपको इंट्राडे में ही देखना पड़ेगा कि 1 आवर की रेंज को ब्रेक करता है या फिर नहीं करता है। अगर करता है तो फिर आप उसी रेंज में डायरेक्शन ट्रेड ले सकते हैं। तो निफ्टी खासतौर से फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जैसे रेंज ब्रेक हुई है, तो लगभग बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का और फिर निफ्टी में 300 से लेके 400 पॉइंट्स का मूव हमें मिलना चाहिए, इसलिए अभी कोई से भी सेल ट्रेड नहीं लेना है। ये रहा दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी और पूरे कमोडिटी मार्केट का।
जैसे कि अगर आप क्रूड का भी देखें तो क्रूड मैंने कहा था कि ये फिर से अभी 69-70 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा और वहीं पर ये जा रहा है। तो लाइव मार्केट में अगर आप देखें, लाइव मार्केट में हमारे लेवल्स एक्यूरेट काम करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रीमियम सर्विस से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर्स आपको बायो और डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक